भी देखती हूँ तुम कैसे कल्याणी के साथ अत्याचार करते हो। मैं हरी हूँ कल्याणी। आओ साहब, अगर माई ने वाड़े के इस तरफ कदम रखा तो आपके लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। आखिरी बार पूछ रहा हूं कल्याणी, तुमसे ये चोरी माई ने करवाई या नहीं? अब भी अगर तुमने सच कबूल नहीं किया ना, तुम्हारी अगली सजा और भी कड़ी होगी। ताई, आप कौन? जी, अस्पताल में बताया गया है कि यहाँ पे एक बच्चे को दूध पिलाना है। जी जी ताई, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मेरे बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी ली है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। इनको देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसी सजा उसको मिलती है जो गलती करता है। आपका तो बल्कि एहसान है हम पे। लेकिन मल्हार, बच्चे को अचानक माँ की दूध की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि मोक्ष की तबीयत ठीक करने के लिए या तो उसको माँ का दूध देना होगा या फिर इंजेक्शन से सेलाइन देना होगा। अब तो सच बता दूं कल्याणी, मल्हार जी, मैं सच ही कह रही हूँ, मैं मानती हूँ मैंने चोरी की, वो इसलिए क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने अपने मतलब से की चोरी। भाई भाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है मल्हार जी, सच में। तुम झूठ बोलने से पास नहीं आओगी। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी नहीं। चलिए आप मेरे साथ। कल्याणी, मुझे कल्याणी, मैं बताऊँ इस तरह भाई। रुक जाइए नर्स, आईवी देने की जरूरत नहीं है।
आई।